हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लीजन ऑप्शनों के एक और मज़ेदार नॉवल एक्सप्लेन वीडियो में। सो आई होप अपने लास्ट एपिसोड एंजॉय करे होंगे। तो फिर बिना देरी के चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में ये चैन पूरा एक न्यू पल्टन को लेके क्यानक्यू एंशियंट सिटी पहुंच जाता है, लेकिन सीतुनान वहाँ जुआ आओ और ली शिंग शिंग को देखता है और सोचता है ये चैन उन्हें बंदी बना के लाए है। सो वो सीधा उन्हें मारने के लिए अटैक कर देता है, बिकॉज वो थ्री से कॉम्पिटिशन और वहाँ क्या हुआ था आपको पता ही है। खैर, लेकिन तभी ये चैन सीतुनान को गंदे तरह रोक देता है। तभी बाकी ट्रू डिसाइबल भी कहने लगते हैं, क्या तुमने उन्हें हमें गुस्सा कम करने के लिए नहीं लाए हो पकड़ के? जहाँ ये चैन कहता है वो ये टैलेंट मैंने ढूंढ के लाया। लेकिन तभी जिसके साथ जुआव का फड्डा हुआ यानी लिवी, वो आके उसे ग्रीट करता है और तभी दोनों थ्री से कॉम्पिटिशन के लिए माफी मांगना शुरू कर देता है। जहाँ लिवी कहता है ब्रो वो बस एक कॉम्पिटिशन था, उसके बारे में अभी और सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ये चैन कहता है ये दोनों मेरा लॉयल फ्रेंड है जो नॉर्थ में मुझे काफ़ी मदद किया। देन वो दोनों को कहता है डोंट वरी, आपसे ये तुम्हारा घर है। देन सीन चेंज होता है और वो सीनियर से मिलने जाता है, जहाँ सीनियर उसे कहता है गॉड इज बैक। जहाँ वो कहता है क्या बोल रहे हो, मैं गॉड किलर हूँ या फिर गॉड? उतने में चूलिंगी वो कहती है जिनिंग चोंग भाग गई है ना? जहाँ वो कहता है पता नहीं उसने सील को कैसे ब्रेक किया। जहाँ चूलिंगी भी लाइक सच कह दो ना कि खूबसूरत लड़की के सामने तुम लूल हो चाहते हो। जहाँ वो ब्लास्ट करते हुए ये चैन आगे कहता है ऐसा नहीं है, मैं उसे मारना चाहता था। लेकिन तभी हमारा सीनियर होंग भी कहती है हाँ हमें अच्छे से मालूम है। और तभी मजाक मस्ती के बाद एल्डर कहता है हो गया मजाक मस्ती, अब चलो बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि हमें यस्टरडे नॉर्थ चू से खबर मिला कि एक और मिस्टीरियस फोर्स अपना चाल चलना शुरू किया है। चाहे ये चैन कहता है एक और मिस्टीरियस फोर्स, चाहे सीनियर होंग कहती है यस, और ये घोस्ट चेक हो सकता है जिन्हें लास्ट स्काई ब्रुएल एम्परर ने सप्रेस किया था। और बस घोस्ट चेक ही नहीं बल्कि ब्लड क्लैन भी हलचल करना शुरू कर दिया, जिन्हें पास्ट में हेवनली एम्परर चैन ने दबोचा था। चाहे ये चैन कहता है कल मैंने उनके साथ फाइट किया। चाहे सीनियर कहता है सच में? चाहे ये चैन कहता है हाँ, उनसे डील करना उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन परेशानी की बात यह है कि अचानक इतने सारे मिस्टीरियस हाउस बाहर निकल के आना अच्छी बात नहीं है, और ग्रेट चू का सिचुएशन तेजी से बदल रहा है, तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी और ताकत बढ़ाना होगा। और तभी सीनियर छोंग जियान और छोंगकुई ये चैन को आके कहता है तुम ठीक हो, बहुत बढ़िया, लेकिन किडनैपिंग के इंसिडेंट के बाद आप जाके तीनों सैक उस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। जो सुनकर चूलिंगी कहती है तब तो वक्त हो गया वार पे जाने के लिए। जहां ये चैन कहता है चलो फिर वार पे चलते हैं। जो सुन के सीनियर होंग कहती है क्या हम डायरेक्ट फाइट करेंगे? जहां ये चैन कहता है ना, मैं डायरेक्टली इंजीपिंग को किन्यू से लड़ने के लिए चैलेंज करूंगा। जहां सीनियर होंग और चूलिंगी रिएक्ट करती है एक ओपन चैलेंज तो बुरा आइडिया है, क्योंकि तुम्हारा आइडेंटिटी रिवील्ड हो सकता है, और ऐसा हुआ तो सिर्फ तीन सेक्टी नहीं बहुत मेजर्स फैमिलीज भी वहां इकट्ठा होंगे, जिनसे एक साथ डील करना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी ट्रिक मास्टर ये चैन कहता है यप, इसीलिए मैंने एक ट्रिक सोचा, द सीक्रेट पाथ इन द आर्ट ऑफ वार, जिसके चलते जब वक्त आएगा तो टोंग शुआन और बाकी सब अपने एलाइट कल्टिवेटर्स को लीड करेगा, जिसके चलते हैंगियो में इन जीपिंग का सेफ्टी जरूर खाली होगा, और मैं चाहता हूँ सबको पूरे तरह थका देना। और तभी सीनियर कहता होली मास्टर, लेकिन क्या इन जीपिंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा? जहाँ सीनियर यंग कहता है यस वो जरूर करेगा। जहाँ चूलिंगी कहती है लेकिन आप इतना श्योर कैसे हो? जहाँ सीनियर कहता है हम इन जीपिंग के एरोगेंस को अच्छे से जानते हैं, और अगर उसका अंदर वो घमंड ना होता तो ये थ्री सेक्ट वार भी ना होता। लेकिन तभी बाकी सीनियर कहता है लेकिन फिर भी लॉर्ड आप खतरे में रहोगे। चाहे ये चैन कहता है डोंट वरी, थ्री सेक्ट मुझे तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक हार जीत का अनाउंसमेंट ना हो, और स्पेशली चेंगयांग और किंगयांग सेक्ट में से अगर हम में से कोई मरता है तो उनके लिए अच्छे से ज्यादा और कुछ बात नहीं होगा। सो वो एक दूसरे का समर्थन करेंगे। चाहे सीनियर कहता है तो फिर हम कुछ लोगों को अरेंजमेंट करते हैं तुम्हारे लिए तो अच्छा रहेगा। चाहे ये चैन कहता है हमारे सेना को ऐसा डिस्पर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस हैंगियो को कैप्चर करने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, वो भी जितना जल्दी हो सके, वो भी कम लॉस के साथ, क्योंकि अगर हम हैंगियो सीनियर को कंट्रोल करने
करने में कामयाब होते हैं तो हम पूरे सेक्ट को भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। तभी सीनियर झोंगकुई कहता है तुम कितने जिद्दी हो, अगर वहाँ से निकल ना पाए तो। जहाँ ये चन कहता है सीनियर डोंट वरी आई विल मैनेज, और जहाँ सीनियर कहता है यप तुम सही हो क्योंकि तुम एक पर्वत जो हो। फिर सीन चेंज होता है और सब लोग चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद ये चन अंकल यांग को कहता है अंकल हैंग्यो टेक डाउन करने के बाद चीजें आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन हैंग्यो को अपनी प्रेस्टीज से दबाना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहाँ सीनियर हंस के कहता है इन जीपिंग बहुत से लोगों को गुस्सा दिला के रखा है, तो हमारा घर वापसी हैंग्यो के लिए एक उम्मीद है। और फिर सीनियर आगे कहता है कि हैंग्यो कैप्चर करना बस मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बाद डोंग शुआन और बाकी सब तुम्हें पहचान लेंगे। जहाँ ये चेन स्माइल के साथ बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन डोंग शुआन तो नहीं पहचानेगा ऐसा कहता है। जहाँ सीनियर कहता है हाँ हमें पहचानना तो उनका गलती स्वीकार करने का समान है, और उसके चलते गलती स्वीकार करना उनके लिए इम्पॉसिबल है। तभी ये चेन कहते हैं अंकल हमें डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है एल्डर अखंड नहीं है, और इन जीपिंग ने जो किया ऐसा नहीं कि वो लोगों ने देखा नहीं। तभी सीनियर ये चेन के कंधे पर हाथ रख के कहता है इस बार देखा जाएगा कौन ज़्यादा क्वालिफाइड है हैंग्यो को कमांड करने के लिए। और तभी सीन चेंज होता है और सभी पार्टी करने लगता है यानी पीने बैठ जाता है, और ये चेन उन्हें ज्वाइन करने की सोचता ही है उतने में ड्रैगन सोल उसके पास आता है, और उसका हाल बेहाल देखकर पहले तो वो डर जाता है और फिर कहता है एमएफ तेरा ये हाल किसने किया भाई, आपका पिकअप लाइन कोई काम का नहीं है, बस मुझे हर बार मार ही पड़ता है। और तभी ये चैन कहता है तुमने क्या कहा। तभी वो टोन ठीक करके ये चैन की आंखों में आंखें डाल के उसके फेस को उठा के कहता है मैंने एग्जैक्टली ये कहा कि ब्यूटीफुल मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। और ये होमो सिनारियो आके मास्टर डोंग फेंग देखती है और उनके हाथों से कुछ गिर जाती है, और क्या वो आगे कहने लगती है मैंने कुछ नहीं सुना और ना ही देखा। तभी ये चैन मास्टर का पीछा करना शुरू करता है और कहता है मास्टर आप गलत सोच रहे हो। और फिर सोल आके झोआओ और ली शिंगशिंग को देखता है, और तभी दोनों अचानक उसे देखकर ऐसा शॉक्ड होता है मानो कि उन्हें 440 वोल्ट का करंट लगा हो। और फिर सीन चेंज होता है और मास्टर से तो उसका बात होने से रहा यानी वो चीज समझाने से रहा, तो वो घर आके लिंगर को कहती है आई एम बैक। लेकिन तभी वो लिंगर को कल्टिवेट करते हुए देखता है और साथ ही वो इमोर्टल हुई आइस से देखता है कि उसकी सोल एकदम से ओवरलोडेड है। सो यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, और पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।